हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ इज कुकिंग। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो गुजराती होंगी उसके घर में आपको मिल ही जाएंगी। वो एक नाश्ता है और वो है फुलवड़ी गांठिया, जो आपको मार्केट में तो मिल जाता है पर घर पर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज हम इजी मेथड में बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है दही, बेसन है पर जो दरदरा बेसन आता है वो है, काली मिर्च, साबुत धनिया, सूजी, ऑयल, हींग, बेकिंग सोडा, शक्कर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे आधा कप दही लेना है हमें, हो सके तो इसका मेजरमेंट पक्का रखें। तो पहले हम थोड़ा सा दही को ऐसे मिला लेते हैं। तो नॉर्मल दही ले, ज़्यादा ना खट्टा हो वैसा। तो ये हमने मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, टेस्ट टू सॉल्ट, हींग डालेंगे, शक्कर डालेंगे। तो अभी हमने 2.5 टेबल स्पून शक्कर ली है। साबुत ही हमने ये काली मिर्च ले ली है, वो डाल देंगे हम, और साबुत धनिया। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसे अच्छा हमें अच्छे से मिलाना है अराउंड 3-4 मिनट्स तक, ताकि अच्छे से मिल जाए सारे मसाले। आप अगर फुलवड़ी देखेंगे जो बाज़ार में मिलती है, तो हमेशा आपको उसमें काली मिर्च और साबुत धनिया तो मिल ही जाएगा, वो कंपलसरी है डालना। आप काली मिर्च साबुत ही डालनी है, आप पाउडर बनाकर नहीं डाल सकते इसमें। तो इसे हमें अच्छे से मिलाना है। तो हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक दूसरी प्रोसेस करनी है, वो कर लेते हैं हम। ये हमारे पास 1 टेबलस्पून सूजी है, जिसमें हम 1-3 ड्रॉप्स जितना ऑयल डालेंगे। और अब हम इसी से मिला लेना है ऐसे। तो ये भी हमने मिला लिया, इसे हम एक साइड रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो हमारा हमने ये बैटर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से पहले एक बार। आप देख सकते हैं, आप दही में जैसे बुलबुले होते हैं वो हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी सूजी जो हमने ऑयल डालकर रखी हुई थी, और उसके साथ ही में हम डालेंगे बेसन इसमें। तो हम जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना बेसन इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा अभी डाल देते हैं, मिला लेते हैं। हमें इसका आटा बनाना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का बनाते हैं वैसा वाला। आप देख रहे हैं हम और भी बेसन डाल रहे हैं, तो हमें इसका आटा ही बनाना है। तो जितना बेसन आ जाए उतना डाल लीजिए। और हमें जो बेसन लेना है, और नॉर्मल जो रूटीन में हम बेसन यूज़ करते हैं वो नहीं लेना है, हमें दरदरा बेसन जो आता है वो लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने आटा हमारा बना लिया है। तो हमने हाथों से ऐसे गूंद लिया है ऐसे। तो हमें नॉर्मल पराठे के जैसा आटा रखना है। अब हम इसमें ऑयल डाल के इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है आटा, एकदम रेडी हो चुका है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसे रेस्ट पर इसे रख सकते हैं। जो नॉर्मली हम ये फुलवड़ी गांठिया हुए वो झारे में बनता है, इसके लिए स्पेशल एक छन्नी आती है,
उसमें बनते हैं, पर अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ऐसा होल वाली प्लेट है जिसमें हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया और नीचे एक बर्तन है। तो अब इसके ऊपर हमारा हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है, वो डालकर हमें इसे हाथों से अच्छे से प्रेस करना है ऐसे। अगर आपके पास छन्नी है ऐसी तो आप उसमें आराम से बना सकते हैं। तो आपको अगर आप डायरेक्टली उस छन्नी को ऑयल पे भी रख सकते हैं, पर अब हम ही सेफ्टी के लिए ऐसे बना रहे हैं। इसे अच्छे से ऐसे प्रेस करते हुए हमें बना लेना है। तो इसे हम ले लेते पहले, तो आप देख सकते हैं इसे हम तल लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसे एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने देना है और थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो वैसा हमें इसे तलना है। पहले अच्छे से तेल गर्म हो जाए, उसके बाद में इसे अच्छे से लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो। तो हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया है, हमने ये दूसरे बना कर रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे ऑयल में। आप चाहे तो जो मिल्क की प्लास्टिक बैग होती है उसमें भी आप बना सकते हैं, उसमें से एक साइड पर आप कट कर लीजिए और उसमें ही हमारा आटा डालकर आप इसे बना लीजिए। आप देख सकते हैं इसे तलने में अराउंड हमें 5 to 6 मिनट लगेंगे आराम से, एकदम स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसे फ्राई होने दीजिए। तो हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे सारे बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे तैयार हो चुके हैं, बाहर से आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं अंदर से थोड़े से सॉफ्ट होंगे, ज़्यादा नहीं, ये जैसे बाहर मिलते बाजार में वैसे ही एकदम बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप चाहे तो इसे हाथों से भी ऐसे बना सकते हैं। तो अब आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जब मन हो तो घर पे बनाएं फुलवड़ी गांठियाँ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माई लाइफ इज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। और एनी सजेशन और एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।